गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी कंप्यूटर टीचर गजाला। आज पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये इसमें पांच जनरेशन के बारे में दिया हुआ है। हम लोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एनालिटिकल इंजन क्रिएट ए बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल कंप्यूटर। द कंप्यूटर दैट वी यूज टूडे वॉज नॉट built in a day. It has gone through a different stage of development during past several decades. Computer can be classified into different generation based on the specific technological used to build them. Let us discuss the characteristics of each generation. देखिए, पहले है एनालिटिकल इंजन जो बना हम लोग का सबसे पहले बेस था, वह से यही से स्टार्ट हुआ था मॉडल कंप्यूटर का। उसके बाद वो एक दिन में हम लोग मॉडल कंप्यूटर के बारे में मिला नहीं, हम लोग का जनरेशन पर जनरेशन में जैसे टेक्नोलॉजी हम लोग का दिमाग में आया, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा उसी हिसाब से हम लोग का कंप्यूटर का सिस्टम भी चेंज होते रहा। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940-1958 तक रहा। पहला कंप्यूटर 1940 तक बना, फिर 1950 तक यहाँ तक यूज हुआ। फॉलोइंग वेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दे यूज टू वैक्यूम ट्यूब, दे यूज परचेज कार्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट, they calculate data in millions seconds, they were very large in size but had small inter storage capacity, their programming speed was very slow, they were expensive and customer a large amount of data. देखिए वैक्यूम क्लीनर का फोटो भी दिया हुआ है। पहला कि ये आपका सब चीज़ जो है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मिलता था। इसमें पर्चिंग कार्ड होता था जो इनपुट और आउटपुट के लिए, ये क्या कितना डाटा जो है मिलिंग सेकेंड में निकालता था, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा रहता था और ज़्यादा स्टोरेज जो है कम इसमें रहता था। प्रोग्राम स्पीड बड़ी स्लो था इसमें, और ज़्यादा महंगा था और ज़्यादा एनर्जी लेता था। एग्जाम्पल है मास वन ENIAC EDSAC EDVAC UNIVAC। ये कंप्यूटर है जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। लेट अस रीड अबाउट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इन डिटेल। मार्क वन, इन 1944 हावर्ड एच लिकन डिजाइन द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कॉल ए मार्क वन। इट वॉज अबाउट 15 meters लॉन्ग। द मशीन वॉज स्लो एंड टुक 3 to 5 seconds फॉर ईच कैलकुलेशन। देखिए ये मार्क वन का फोटो है, ये क्या 50 meters लॉन्ग रहा था, इसको 3 to 4 seconds लगता था कि वो भी चीज़ को कैलकुलेशन करने में। चलिए आपका नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका ENIAC के बारे में। इन 1946 JPA Cade एंड JV Marshall डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर सो टू सॉल्व कंप्यूटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। ये जो आपका ENIA का फोटो दिया हुआ है, जिसका क्या है, ये जो है कंप्यूटर क्या बहुत सारे कंप्यूटर का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व करता था। अब क्या देखिए, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिके स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका ये फुल फॉर्म है। अब क्या, द EDSAC was designed by Professor Mark Y. Kalkal
of Cambridge University, England in the year 1949. It was slightly faster than ENIAC. ये थोड़ा फास्टर था इस कंप्यूटर इसका. इट वेटेड अप्रोक्सीमेटली 60,000 किलोग्राम एंड ऑक्यूपाई एन एरिया 20 स्क्वायर मीटर. इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट यूज्ड टू स्टोरेज प्रोग्राम. पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो स्टोरेज प्रोग्राम कर सकता था. इसका क्या था, इसका 6,000 किलोग्राम का था और ये 20 स्क्वायर मीटर में ये इतना बड़ा वो उसका एरिया था. चलिए फिर बढ़ते हैं. EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर द इसका फुल फॉर्म हुआ. द EDVAC was purposed by John B. Eckert and John V. Marshall in 1944. When the ENIAC was being developed, John von Neumann, who also gave the concept of storage programs, joined them later to help in designing the EDVAC. It was finally complete in 1949. The EDVAC weighed approximately 8,000 kilogram and covered an area of 45.5 square meters. It has capacity to hold storage data as well as a स्टोरेज प्रोग्राम एंड एस वेल एस डाटा. देखिए ये वाला कंप्यूटर जो है इसको जो है ये पहले जो हम लोग ये जो है जॉन एकेड एंड जॉन मर्चेंट ने बना लिया. तो उसके बाद उसने जॉन वी न्यूमैन ने ज्वाइन किया, इसको आइडिया दिया कि स्टोरेज प्रोग्राम भी उसमें कंप्यूटर में ऐड होना चाहिए. जो वो फिर वो इसकी वजह से वो EDVAC कंप्यूटर बना. कब बना? 1948 में. ये क्या है, 80,000 किलोग्राम का था और 45.5 स्क्वायर मीटर का एरिया लेता था. इसमें पहला है क्या, ये स्टोरेज प्रोग्राम के साथ था, डाटा भी स्टोरेज करता था. चलिए इसके बाद क्या, UNIVAC के बारे में. जॉन जे पी एकेड एंड जे वी मर्चल डेवलप अनादर कंप्यूटर UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म हुआ. इन 1951 इट वाज द फर्स्ट कस्टमाइज्ड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वेटिंग व्हिच इज अराउंड 30,000 किलोग्राम. इट कवर 35.5 स्क्वायर मीटर एरिया. इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट डाटा. देखिए अब ये क्या है, ये जो फिर से वही आपका एकेड एंड मर्चेंट ने मिलके फिर से कंप्यूटर बनाया. इसको हम लोग यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का फुल फॉर्म है. इसका फुल फॉर्म है, ये 1951 में बना. इसका था कि ये 31,000 किलोग्राम का था और कवर कितना था, 35.5 स्क्वायर मीटर का वो एरिया लेता था. ये पहला कंप्यूटर था जो न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डाटा दोनों में था, इसमें था. देखिए आपको ये वाला कंप्यूटर, देखिए ये ऐसा है, आपको बुक में दिया. देखिए फैक्टर बाइट में क्या दिया हुआ, ऑल थ्रू द EDVAC वाज डिजाइन अर्लियर देन द EDSAC. इट वाज डेवलपिंग गॉट डिले. दिस मेड द EDSAC द फर्स्ट कंप्यूटर दैट यूज टू कंसेप्ट द स्टोरेज प्रोग्राम. देखिए EDVAC जो है पहला डिज़ाइन हो चुका था लेकिन उसको अच्छे तरह से बनने में थोड़ा डिले हो गया. तो इसी वजह से आपका पहला जो स्टोरेज प्रोग्राम कौन सा आया, जो कंप्यूटर है जो स्टोरेज प्रोग्राम लेता था, EDSAC आया.
चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड और सेकेंड जनरेशन के बारे में, थर्ड जनरेशन के बारे में, फोर्थ जनरेशन और फाइव जनरेशन के बारे में। थैंक यू।